2024 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर सबकी निगाहें हैं, कह सकते हैं पूरे देश की, उनमें से एक है मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट। इस वक्त मैं गुना लोकसभा सीट पे ही मौजूद हूं और ये अशोक नगर का क्षेत्र है जहां से खुद गुना लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आज उनके साथ पूरे दिन रहेंगे और देखेंगे किस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करते हैं गुना लोकसभा सीट में। ये देख सकते हैं सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे वो अपने होटल से निकल चुके हैं गुना लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग एरिया में जाने के लिए। और इस वक्त जो जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये अशोक नगर लोकसभा जो जिला है वो है गुना लोकसभा सीट का, और सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के प्रत्याशी गुना लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। तो चलिए उनके साथ चलते हैं और जानते हैं। इस वक्त मैं गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हूँ। सुबह से ही उनके चुनाव कैंपेन को कवर कर रहा हूँ, किस तरह से चुनाव कैंपेन करते हैं। खासतौर से सर, मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, बहुत यूनिक है आपका चुनाव प्रचार, किस तरह का माहौल देख रहे हैं खासतौर से गुना शिवपुरी और अशोक नगर में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट साथ से कहूं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट पर भाजपा का झंडा लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है, उस नेतृत्व की क्षमता और जनता का विश्वास के आधार पर इस बार 400 पार का नारा पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। इस सीट पर सर आपका फैमिली का रहा है, मतलब लंबे समय से, आप पहली बार भी सांसद इसी क्षेत्र से चुने गए थे, चार बार सांसद भी आप रहे हैं, 2019 में किसी कारणवश आप हार गए थे, लेकिन इस बार पहली बार हम कह सकते हैं कि बीजेपी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप जनता का मूड? जनता का मूड तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, मैं तो प्रत्याशी हूँ तो मेरा तो बायस होगा। जनता का मूड का एक्चुअल जो जमीनी स्थिति है वो तो आप उसका आकलन ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, पर मैं जो मानता हूँ कि जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आज इस प्रजातंत्र के युद्ध के अवसर पर इस मैदान पर बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हूं। गुना शिवपुरी अशोक नगर के साथ साथ ग्वालियर में भी आपका अच्छा प्रभाव है, मैं कल खुद जब लैंड किया उसके बाद ग्वालियर एयरपोर्ट पर कुछ टैक्सी चालकों से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि पहले वो 200 रुपये कमाते थे, आज 1500 रुपये कमा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर ये जो ग्वालियर एयरपोर्ट है इस पूरे एरिया को और ज़्यादा डेवलपमेंट में आगे? ग्वालियर का एयरपोर्ट ग्वालियर के विकास और प्रगति और समूचे अंचल के विकास और प्रगति में एक आधार स्तंभ बनने वाला है। पूरे मध्य प्रदेश का सबसे विशाल एयरपोर्ट, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे भव्य एयरपोर्ट, 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट 16 महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमने स्थापित किया है। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया था और मेरे पूज्य पिताजी की जयंती 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया था, और प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हर एयरपोर्ट हर शहर का प्रवेश द्वार है, तो हर एयरपोर्ट को उस शहर की इतिहास, संस्कृति, सभ्यता का एक तस्वीर होना चाहिए, और वही हमने चाहे ग्वालियर हो, कोल्हापुर हो, पुणे हो, अनेक एयरपोर्ट्स हैं, वही एक विचारधारा हमने देश के कई एयरपोर्ट्स में लाया है। उदाहरण के तौर पर अयोध्या धाम की एयरपोर्ट भी एक मंदिर के आकृति में आज उपस्थित है, क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री लगातार कहते आ रहे हैं कि हवाई चप्पल वाला भी अब हवाई जहाज में सफ़र कर पाएगा, आप क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ऐसे में जो आम लोग हैं, खासतौर से इस चुनाव में मुद्दा भी बना है कि क्या भविष्य में जो बाकी एयरपोर्ट हैं, कई जगह से डिमांड भी करें, खासतौर से बिहार की बात करें या मध्य प्रदेश की कुछ जगहों से मांग की जा रही, यूपी में भी कुछ जगहों से मांग की जा रही, तो उन जगह भी एयरपोर्ट बनेगा? देखिए, एक नया इतिहास प्रधानमंत्री जी ने रचा है, जिस देश में 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज उसी देश में पिछले 10 वर्षों में अब 160 एयरपोर्ट बन चुके हैं, मतलब अधिकतम करीब करीब 85 एयरपोर्ट अतिरिक्त बन चुके हैं वाटर ड्रोम और हेलीपोर्ट को मिलाकर। उदाहरण के तौर पर 10 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 16 एयरपोर्ट्स का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, 6 के 6 तो उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़, लखनऊ, 2 मध्य प्रदेश में ग्वालियर और जबलपुर, 2 महाराष्ट्र में कोल्हापुर और पुणे,
एक पंजाब में आदमपुर, दो कर्नाटक में बेलगावी और हुबली, एक आंध्र प्रदेश में कड़प्पा, ऐसे करके, और दिल्ली का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो कुल मिलाकर 16 हवाई अड्डे, जो एक इतिहास है अपने आप में। और इसी तरह आगे जाकर भी हम लोग 200 पार अगले 3-4 साल में एयरपोर्ट, वाटर ड्रोम और हेलीपोर्ट की श्रृंखला में करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या लग रहा है इस पे? मैंने तो इंटरव्यू के पहले ही आपको कह दिया था कि इस बार 400 पार तो सुनिश्चित है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आखिरी सवाल, कल कांग्रेस कह रही है कि अब प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि फर्स्ट पेज में जो वोटिंग हुआ उसमें जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान करने लगे। देखिए, विपक्ष जो भी कहता रहे, 2019 में भी कहा था, 2014 में भी कहा था, इबारत पर पूर्ण लेख जनता ने लिख दी है कि इस बार एक बार फिर मोदी सरकार और इस बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज इनके लोकसभा क्षेत्र में हम लोग इनका कैंपेन कवर कर रहे हैं, किस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, गुना।